అతను పరిధిని చేయాలి. అతను హోత్ గుణా కరేగు क्या उसको अकल नहीं पता है कि अल्लाह देख रहा उसे हया कर. अगर अकल इंसान के पास हो तो वो कभी भटकेगा. तो जब इंसान गुनाह करता है सोचा फरमाते हैं कि अकल पर्दे में चली जाती है. और फिर क्या होता है जब अकल पर्दे में चली जाती है तो ईमान भी पर्दे में जाता है. ईमान भी पर्दे में चले जाता है. और जब तक पर्दे में रहता है तब तक तौबा ना करता. फिर अल्लाह उसको तौफीक दे दे वो सच्ची तौबा कर ले तो फिर ईमान भी आ जाता है और फिर अकल भी आ जाता है. अल्लाह ने अकल दी है उसका इस्तेमाल है. अल्लाह मुझे और आपको इन बातों को याद रखे इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता हो. अल्लाह हमें सीधा रास्ता सीधे रास्ते पर चलाए शैतान के रास्ते पर चलाए. एक दफा वजू तशरीफ फरमाते हुजूर ने जमीन पर कुछ खत खींचे लाइंस कुछ खत खींचे फिर एक खत की तरफ इशारा किया कि ये सिरात मुस्तकीम है. बाकी जो खत थे लाइंस थी हुजूर का ये वो रास्ते जिस पर शैतान बैठा बाकी रास्तों पर राय सिरात एक ही है. सीधा रास्ता एक ही है दो नहीं हो सकता. सीधा रास्ता एक है और वो क्या है इहदिनस सिरात मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना अन'अमता अलैहिम रास्ता उनका जिस पर तूने इनाम किया. और इनाम दाता कौन है मैंने नबीना व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन. तो उनके रास्ते पे चलोगे तो इंशाल्लाह सीधा रास्ता है. और इनके रास्ते से भटक गए तो फिर दुआ करते गैर मक़बूल अलैहिम न उनका रास्ता जिन पर तूने गज़ब किया. अल्लाह ताला अपने गज़ब से अल्लाह महफूज हमारी गलतियों को तय को माफ कर اللہ ہماری بخشش کرو اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی دے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دعا کرتا ہوں کہ